आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 8 जनवरी 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर जहर उगलने वाले मालदीव के तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मोहम्मद मुइज्जू की सरकार के ये तीनों मंत्री अपने ही देश में विपक्ष के निशाने पर थे। सस्पेंड होने वाले मंत्रियों में मरियम शियुना, मालशा और हसन जहान शामिल हैं। इन तीनों ने पीएम मोदी और भारतीयों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। मालदीव की सरकार ने पहले ही इन तीनों मंत्रियों के बयान को निजी बताकर पल्ला झाड़ लिया था। इन मंत्रियों के निलंबन का फैसला राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने लिया है। मुइज्जू को चीन का करीबी नेता माना जाता है। वह चंद दिनों बाद चीन की 5 दिवसीय यात्रा पर भी जाने वाले हैं। 2014 के बाद लगभग एक दशक में जिस भारत ने आकार लिया है, उसमें कांग्रेस शासित भारत इतना पीछे छूट गया है कि पार्टी के अस्तित्व तक पर संकट खड़ा हो गया है। सत्ता में लौटना तो दूर की बात है, उसके मुख्य विपक्षी दल तक बने रहने की संभावनाएं धूमिल हो रही हैं। उकताशे की बात का एक नई किताब में दावा किया गया है, व्हाट इफ देयर वाज नो कांग्रेस, द अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में राजनीतिक टिप्पणीकार प्रियम गांधी मोदी ने यह विचार व्यक्त किया है कि अगर पिछले 80 साल के अधिकांश समय में कांग्रेस सत्ता में नहीं होती तो भारत कितना अलग होता। रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक पिछले 80 वर्षों में भारत के राजनीतिक इतिहास को आकार देने वाली कुछ प्रमुख घटनाओं, विभाजन, कश्मीर, शासन, घोटाले, लोकतंत्र और इसकी बाधाएं, आर्थिक नीति, बौद्धिक उपनिवेशीकरण और विदेश नीति पर नए सिरे से रोशनी डालती है और भविष्य के भारत के लिए रूपरेखा भी प्रस्तुत करती है। प्रियम ने दावा किया, देश की जनता भ्रष्टाचार के मुकाबले प्रगति, गड़े हुए झूठ के मुकाबले सच, आतंकवाद के मुकाबले सुरक्षा और अवरोधों के मुकाबले तरक्की को चुनती आ रही है। मेरे विचार से निकट भविष्य में कांग्रेस की सत्ता में वापसी असंभव नहीं है तो बहुत मुश्किल जरूर है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने तैयारियां तेज कर दी है। हालांकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया के घटक दलों के बीच आपसी राय नहीं बन पाई है। इस बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि सोमवार को दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की सीटों के बंटवारे पर बात होगी। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संदीप पाठक, कैबिनेट मंत्री अतिशी और सौरभ भारद्वाज बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस ने आज से 3 दिन तक दिल्ली में सहयोगी दलों के साथ मंथन शुरू कर दिया है। आज बिहार के नेताओं की बारी है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 8 जनवरी 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। उत्तरी दिल्ली में गैंगरेप एक मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति और 3 नाबालिगों ने 12 साल की एक लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया है। जानकारी में जिस तरह का खुलासा सामने आया है, काफी स्तब्ध करने वाला है। पुलिस ने कहा इस मामले में एक महिला भी शामिल है जिसने आरोपियों से पैसे लिए थे और 12 साल की मासूम लड़की को लालच दिया था। अधिकारियों के मुताबिक नाबालिग लड़की और महिला इलाके में कूड़ा बीनने का काम करती हैं। आरोपी व्यक्ति एक चाय की दुकान का मालिक है और 3 नाबालिग जिनकी उम्र 12 साल, 14 साल और 15 साल है, उसके लिए काम करते हैं। 6 जनवरी 2024 भारत के इतिहास में इस तारीख को हमेशा याद रखा जाएगा। इसी दिन शाम के करीब 4 बजे भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 ने अपने लक्ष्य पर पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने आदित्य L1 को कमांड देकर इसे लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट पर पहुंचाकर इतिहास रच दिया। यानी आदित्य L1 अंतरिक्ष में उस स्थान पर पहुंच गया जहां से वह लगातार सूर्य को देख सकेगा। इस मिशन की शुरुआत 2 सितंबर 2023 को हुई, जब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सूर्ययान आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। पूरे 4 महीने बाद बीते शनिवार ये स्पेसशिप अपने आखिरी और बेहद जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरा। बेंगलुरु में मेट्रो में सफर कर रही एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 23 साल की लड़की ने आरोप लगाया है कि वो जिस मेट्रो में सफर कर रही थी उसमें काफी भीड़ थी। इस दौरान एक शख्स ने उसे गलत तरीके से टच किया। ये घटना मैजेस्टिक मेट्रो स्टेशन की है। पेशे से टीचर लड़की ने अपनी शिकायत में कहा है कि खचाखच भरी मेट्रो ट्रेन में सफर के दौरान जेपी नगर मेट्रो स्टेशन से एक शख्स चढ़ा। वो विजयनगर जा रहा था। उसने उसे गलत तरीके से छुआ। इसके बाद मेट्रो से उतरते ही लड़की ने मेट्रो स्टाफ से इसकी शिकायत की। इस पर आरोपी को हिरासत में लिया गया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों महासम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सहकारिता मंत्रालय,
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए दवा लाइसेंस लेने वाले प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के अध्यक्ष, सचिव और फार्मासिस्ट भी सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आम जनता को खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50-90% कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधियां उपलब्ध कराते हैं। इन केंद्रों से 2000 से अधिक जेनेरिक दवाएं और लगभग 300 सर्जिकल सामग्री किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इस पहल से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अपनी आर्थिक गतिविधियों के विविधीकरण और विस्तार के लिए नए अवसर मिलेंगे और उनसे जुड़े लाखों लघु और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए वर्तमान कानूनी प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए 15 जनवरी तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। पिछले वर्ष सितंबर में गठित समिति की 2 बैठकें हो चुकी हैं। समिति ने इस विषय पर विचार विमर्श के लिए हाल ही में 7 राष्ट्रीय दलों, 33 क्षेत्रीय दलों और 7 गैर मान्यता प्राप्त दलों को पत्र भी लिखे थे। भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम से राज्यसभा चुनाव के लिए दोर्जी छेरिंग लेपचा को अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव 19 जनवरी को होगा। सिक्किम से मौजूदा राज्यसभा सदस्य हिशे लाचुंगपा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 8 जनवरी 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। तेलंगाना सरकार को प्रजा पालन कार्यक्रम के दौरान प्रस्तावित 6 गारंटियों के लिए आम लोगों से 1,24,00,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। कल शाम संपन्न हुआ प्रजा पालन कार्यक्रम 28 दिसंबर से पूरे राज्य में ग्राम सभाओं में आयोजित किया गया था। हालांकि राज्य सरकार ने घोषणा की है कि लोग अपने आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा करा सकते हैं। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने 6 गारंटी देने का वादा किया था। नागर विमानन महानिदेशालय ने घरेलू विमान कंपनियों को अपने सभी बोइंग 737 से 8 मैक्स विमानों में आपात निकास द्वार का तत्काल निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय ने अलास्का एयरलाइंस के विमान बोइंग 737 से 9 मैक्स विमान की घटना के बाद यह निर्देश दिया है। शुक्रवार को अलास्का एयरलाइंस के विमान की खिड़की सहित आउटर सेक्शन उड़ान के समय हवा में ही गिर गया था, जिसके कारण उसे आपात स्थिति में उतारना पड़ा था। इस समय एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट और आकाशा विमान कंपनियों के बेड़े में 737 से 8 मैक्स विमान शामिल हैं। इस बीच अमेरिका की विमान विनियामक संस्था फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने बोइंग 737 से 9 मैक्स विमानों को संचालित न करने का आदेश दिया है। इसी कंपनी के विमान को शुक्रवार को पोर्टलैंड में आपात लैंडिंग करनी पड़ी थी। घटना के समय विमान में 177 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्र 2 महत्वपूर्ण बुनियादी सिद्धांतों की ओर बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व में विकास और भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। श्री गोयल ने आज तमिलनाडु के चेन्नई में वैश्विक निवेशकों की बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश में 7.7% की वृद्धि देखी गई है और मुद्रास्फीति में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले 10 वर्षों में मजबूती आई है और वह विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। 2 दिन का वैश्विक निवेशक सम्मेलन आज चेन्नई में शुरू हुआ। निवेश सम्मेलन में 12,800 करोड़ रुपए के निवेश से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से पेगाट्रॉन, 12,000 करोड़ रुपए के निवेश से JSW एनर्जी के विस्तार के लिए सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 8 जनवरी 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सब्सिडी वापस लेने और गेहूं के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी हैं। इन विरोध प्रदर्शन से स्पष्ट है कि लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संगठनों की मांग है कि सरकार द्वारा गेहूं के बढ़े हुए दाम वापस लिए जाने तक विरोध जारी रहेगा। खबरों के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के स्कर्दू, गंजे और शिगर में लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। पीपल एंड आवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि गिलगित बाल्टिस्तान की सरकार हठधर्मिता दिखाते हुए गेहूं के बढ़े हुए दामों को वापस लेने के फैसले को नजरअंदाज कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर कल लंदन जाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शैप्पस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों मंत्रियों के बीच रक्षा,
सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के मुद्दे पर व्यापक बातचीत होने की आशा है। श्री सिंह के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मिलने और विदेश मंत्री डेविड कैमरून से विचार विमर्श करने की संभावना है। संयुक्त अरब अमीरात में केरल की सुचेता सतीश ने एक ही संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गायन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। सुचेता का यह अभूतपूर्व प्रदर्शन कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करना था। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू, उत्तर प्रदेश और बिहार में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में भी घना कोहरा बना रहा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ में सामान्य कोहरा छाया रहा। उत्तर रेलवे के अनुसार घने कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 22 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड के मद्देनजर अगले 5 दिनों तक नर्सरी से कक्षा 5 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे और भीषण शीतलहर की चपेट में है। आलम यह है कि दिल्ली और आसपास के राज्यों में 10 दिनों से सूर्य देवता के दर्शन तक नसीब नहीं हुए हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव, गर्म कपड़े और मोटी रजाई का उपयोग कर रहे हैं। सुबह के वक्त कोहरा तो बाकी समय पारा गिरने से लोग जबरदस्त ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग ने तो पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में सोमवार यानी 8 जनवरी को ओले गिरने की भी संभावना जताई है, वहीं तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 8, 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 9 जनवरी 2024 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना सुबह 7 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।